बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मुताला पाकिस्तान की क्लास में बाब अव्वल का आगाज़ करेंगे, जिसका उनवान है इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान का क़याम। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका उनवान सबसे पहले वाज़े होना चाहिए। इसके उनवान को हम देखते हैं, इसमें तीन अहम टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं, इस्लामी, जम्हूरिया और पाकिस्तान। इसका मतलब ये है कि बरसग़ीर पाक व हिंद के मुसलमानों ने एक आज़ाद रियासत पाकिस्तान का मुतालबा किया था, एक ऐसा आज़ाद मुल्क जहां पर जम्हूरियत हो, क्योंकि बरसग़ीर पाक व हिंद में रहते हुए अंग्रेज़ हुक्मरानों के ज़ेर असर मुसलमान एक बहुत ही मजबूर और लाचार ज़िंदगी गुजार रहे थे। लिहाजा वो चाहते थे कि एक ऐसी आज़ाद रियासत कायम की जाए जहाँ पर जम्हूरियत कायम हो, जहाँ पर बनने वाली हुकूमत ख़ुद पाकिस्तान के अवाम मुंतखब करें। इसके साथ साथ वो रियासत इस्लाम के असूलों पर मबनी हो, वहाँ के आइन, वहाँ के कवानीन इस्लाम के मुताबिक हों, और जहाँ पर रहते हुए मुसलमान अपनी ज़िंदगी इस्लामी तालीमात के मुताबिक गुजार सकें। लिहाजा इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि वो पाकिस्तान जिसे इस्लामी भी होना है और जम्हूरिया भी होना है, उसको कायम करने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ और कौन कौन से असबाब पैदा किए गए जिसकी वजह से आखिरकार पाकिस्तान कायम हुआ। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को कायम हुआ था। ये एक नज़रियाती रियासत है। इसका मतलब ये है कि नज़रियाती रियासत वो होती है जो किसी नज़रिए पर कायम की गई हो, और पाकिस्तान का क़याम हुआ था नज़रिया इस्लाम पर। नज़रिया इस्लाम से दो कौमी नज़रिया वजूद में आया और दो कौमी नज़रिए से नज़रिया पाकिस्तान ने जन्म लिया। अब हम देखते हैं कि नज़रिया क्या होता है। जिस तरह हर शख्स की ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद होता है, इसी तरह हर कौम का भी एक इज्तमाई मकसद होता है, जिसको हासिल करने के लिए उस कौम के अफराद अपने माजी की रवायात को सामने रख कर अपनी इज्तमाई सोच को इस्तेमाल करते हुए अपने रहनुमाओं की रहनुमाई में मुस्तकबिल का लाहे अमल तय करते हैं, और इसी इज्तमाई सोच का नाम नज़रिया है। जिस तरह बरसग़ीर के मुसलमानों ने अपने शानदार माजी की रवायात को सामने रखा और अपने हालात का जायज़ा लेते हुए अपने तमाम अहम लीडरों की रहनुमाई में एक आज़ाद रियासत का फ़ैसला किया, उनकी यही इज्तमाई सोच आखिरकार नज़रिए की सूरत में वजूद में आई। यहीं से नज़रिया शुरू होता है। नज़रिए की अहमियत क्या होती है? नज़रिया किसी भी कौम की शनाख्त होता है। बरसग़ीर में अगर नाम लिया जाए दो कौमी नज़रिए का, तो फ़ौरन मुसलमान कौम ज़हन में आती है, और अगर नाम लिया जाए मुत्तहिदा हिंदुस्तान का, तो फिर हिंदू कौम ज़हन में आ जाएगी। इसी तरह नज़रिया कौम के माजी, हाल और मुस्तकबिल का आईनादार होता है। नज़रिया ये बताता है कि इस कौम का माजी क्या था। अगर माजी उनका शानदार रहा है और हाल वैसा नहीं है, तो फिर वो कोशिश करते हैं कि एक ऐसी जदोजहद की जाए जिसके तहत मुस्तकबिल में उनका हाल बहुत ही अच्छा हो जाए, बहुत ही शानदार हो जाए। इसलिए जो हाल में कोशिश की जाती है, उसका नतीजा मुस्तकबिल में सामने आता है। नज़रिया किसी भी कौम के अफराद में इत्तेहाद और इत्तफाक पैदा करता है। जाहिर है कि एक मुश्तरका मकसद को हासिल करने के लिए अफराद के दरमियान इत्तेहाद होना चाहिए।
जब एक कौम के सामने एक वाज़े नज़्बुल ऐन होता है तो अहम फैसले करते वक्त वो कौम कभी परेशानी का शिकार नहीं होती। और जब एक नज़रियाती कौम अपनी रियासत कायम कर लेती है तो उसका नज़रिया उस रियासत के आइन और कानून में नज़र आता है। जिस तरह बरसग़ीर के मुसलमानों ने नज़रिया इस्लाम और दो कौमी नज़रिए को अपनी बुनियाद बनाया, इसी तरह से पाकिस्तान में बनने वाले आइन और कवानीन इस्लाम के मुताबिक हैं। नज़रिया किसी भी कौम की तहजीब और सकाफत का बेहतरीन मुहाफिज होता है। बरसग़ीर पाको हिंद में अंग्रेज़ों के मातहत रहते हुए मुसलमान अपनी तहजीब और सकाफत की हिफाजत नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक तरफ तो अंग्रेज़ हुक्मरान और दूसरी तरफ हिंदू उनकी तहजीब और सकाफत ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। जिस कौम का नज़रिया मजबूत होता है उसी कौम की सकाफत भी मजबूत होती है। इसके अलावा नज़रिया बुनियादी रहनुमा असूल फराहम करता है ताकि कौम के पास हर मसले को हल करने की अहलियत हो। बरसग़ीर पाक व हिंद के मुसलमानों ने जब अपने लिए दो कौमी नज़रिए से नज़रिया पाकिस्तान कायम किया तो तमाम कोशिशें सिर्फ इस सिलसिले में की गईं कि अब पाकिस्तान का क़याम अमल में आना चाहिए, और उन्होंने हर तरह की कुर्बानियां दी और बिलाखिर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का क़याम हुआ। अब देखते हैं नज़रिया पाकिस्तान का इर्तका, यानी नज़रिया पाकिस्तान का वजूद कैसे हुआ। नज़रिया पाकिस्तान बुनियादी तौर पर नज़रिया इस्लाम से वजूद में आया है, और कायदे आज़म ने वाज़े तौर पर फरमाया था कि पाकिस्तान उसी दिन वजूद में आ गया था जिस दिन हिंदुस्तान में पहला हिंदू मुसलमान हुआ था, और ये उस ज़माने की बात है जब यहाँ मुसलमानों की हुकूमत अभी कायम नहीं हुई थी। यहाँ आपको मैं ये बताती चलूँ कि बरसग़ीर पाक व हिंद में मुसलमान ताजरों की आमद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में शुरू हो गई थी, क्योंकि अरब ताजर तजारत की गर्ज से हिंदुस्तान आते थे और यहाँ पर रहने वाले हिंदू ताजरों के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात थे। और ये वो ज़माना था जब बरसग़ीर पाक व हिंद में हिंदुओं की हुकूमत थी। अगर दो कौमी नज़रिए को देखा जाए तो उसके खालिक हैं सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान इब्तिदा में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे, मगर दोनों कौमों के दरमियान पाए जाने वाले इख्तलाफात को देखते हुए उन्होंने दो कौमी नज़रिया पेश किया, और यही दो कौमी नज़रिया नज़रिया पाकिस्तान की सूरत में सामने आया। बरसग़ीर में आने वाली तमाम अकवाम हिंदुस्तान आकर अपनी पहचान ख़त्म कर बैठी, क्योंकि वो हिंदुस्तानी सकाफत का हिस्सा बन गई थी। लेकिन मुसलमानों ने हिंदुस्तान आकर अपनी अलग पहचान को बरकरार रखा। उन्होंने अपनी तहजीब, अपनी सकाफत और अपना मज़हब इस अंदाज में पेश किया कि बहुत से हिंदू इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो गए। इसी वजह से मुसलमानों ने एक बहुत लंबा अरसा बरसग़ीर पर हुक्मरानी की। 18वीं सदी ईस्वी में मुसलमानों का इक्तदार का जवाल शुरू हुआ। 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों की नाकामी के बाद यहाँ मुसलमानों के लिए एक मुश्किल सूरत हाल का सामना था। अंग्रेज़ों को ये ख़दशा था कि मुसलमान जिनसे उन्होंने हुकूमत छीनी है वो दोबारा अपनी हुकूमत हासिल करने की कोशिश करेंगे, लिहाजा उन्होंने हर मुमकिन मुसलमानों को पसमानदा रखा। मुसलमानों के ताल्लुकात भी अंग्रेज़ों के साथ कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे, क्योंकि वो उन्हें अपना दुश्मन समझते थे। दूसरी तरफ हिंदुओं ने 1857 की जंग आज़ादी की नाकामी का सारा मलबा मुसलमानों के ऊपर डाल दिया, और उन्होंने कहा कि ये जंग मुसलमानों ने लड़ी है, हम इस जंग को नहीं लड़ना चाहते थे। दूसरी तरफ उन्होंने अंग्रेज़ों का एतमाद हासिल किया। उन्होंने
نہ صرف انگریزی زبان سیکھی بلکہ انگریزوں کے ساتھ بہت خوشگوار تعلقات رکھے۔ مسلمان اتنا لمبا عرصہ ہندوستان پر حکومت کرنے کے باوجود اقلیت میں رہے۔ یہاں پر انگریز حکومت کے قائم ہونے کے بعد جب ہندوؤں نے ہندوستان میں مغربی جمہوری نظام کا مطالبہ کیا تو مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی۔ مسلمان مغربی جمہوریت کے خلاف نہیں تھے، مگر وہ یہ نظام ہندوستان میں رائج نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ مغربی جمہوریت کا مطلب یہ تھا کہ جو اکثریت میں ہوگا وہ حکمران بنے گا، اور ہندو اکثریت میں ہونے کی وجہ سے ہمیشہ حکومت میں رہتے اور مسلمان ہمیشہ اقلیت کی صورت میں رہتے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم مغربی جمہوریت کے خلاف نہیں ہیں، مگر اس میں کچھ رد و بدل کیا جائے۔ مسلمان اپنے مستقبل کے تحفظ کے لیے کوشش کر رہے تھے، اور ان کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ ہندو جو مطالبہ کر رہے ہیں اس سے مسلمان قوم سراسر نقصان میں رہے گی۔ اور یہاں سے دو قومی نظریہ سامنے آیا۔ دو قومی نظریے کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو کئی مسلمان رہنماؤں نے ہندوستان کی تقسیم کا مطالبہ کیا۔ 1930 میں علامہ اقبال نے الہ آباد میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں واضح طور پر یہ بتایا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں، لہٰذا وہ مسلمان علاقے جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے ان کو ملا کر ایک آزاد مسلمان ریاست قائم کی جائے، جیسا کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں۔ اسی طرح سے 1933 میں کیمبرج یونیورسٹی کے کچھ مسلمان طلبہ تھے جنہوں نے ابھی یا کبھی نہیں کے نام سے ایک پیمفلٹ جاری کیا، جس میں اس ریاست کے نام کے لیے پاکستان کا لفظ استعمال کیا گیا۔ جہاں تک دو قومی نظریے کی بات ہے تو دو قومی نظریے میں ایک آزاد ریاست کا مطالبہ نہیں کیا گیا تھا، صرف ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو واضح کیا گیا تھا۔ لیکن 1930 کے بعد مسلمانوں کے سامنے ایک الگ نظریہ سامنے آیا جو نظریہ پاکستان کی صورت میں پیش کیا گیا تھا۔ یہاں سے مسلمانوں نے ایک آزاد ریاست کو قائم کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دیں، لیکن 1940 میں ہونے والے لاہور کے اجلاس میں قائد اعظم نے واضح طور پر یہ بیان فرمایا کہ اب ان تمام مسائل کا حل صرف اور صرف ہندوستان کی تقسیم ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے اگر ہم نظریہ پاکستان کے بنیادی مقاصد جاننا چاہتے ہیں تو وہ تین ہیں۔ ایک ہے اسلامی ثقافت کا تحفظ، کیونکہ برصغیر میں رہتے ہوئے اسلامی ثقافت محفوظ نہیں تھی، لہٰذا مسلمان چاہتے تھے کہ ایک آزاد ریاست قائم کی جائے جہاں پر وہ اپنی اسلامی ثقافت کا تحفظ کر سکیں۔ دوسرا مقصد تھا علیحدہ مسلمان ریاست کا قیام۔ برصغیر پاک و ہند میں مسلمان ایک اقلیت کی صورت میں رہتے تھے جہاں پر ان کو کسی قسم کے حقوق حاصل نہیں تھے، لہٰذا وہ علیحدہ مسلمان ریاست کے قیام پر زور دے رہے تھے۔ اس کا تیسرا مقصد ہے کہ برصغیر کے مسلمان جو ریاست قائم کرنا چاہتے تھے وہاں پر وہ اپنی زندگی اپنے مذہب کے مطابق گزارنا چاہتے تھے۔ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے نظریہ پاکستان پیش کیا گیا۔ پاکستان بننے کے بعد نظریہ پاکستان موجود رہا، کیونکہ اب یہاں پر اس کا مقصد یہ ہو گیا تھا کہ برصغیر کے عوام، مسلمان عوام جو پاکستان حاصل کرنا چاہتے تھے، پاکستان حاصل کرنے کے بعد اب انہیں ایسا نظام حکومت چاہیے تھا جو کہ اسلامی قوانین پر مبنی ہو۔ اب دیکھتے ہیں نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی۔
नज़रिया पाकिस्तान को कायम करने में जिन चार अनासर ने अहम किरदार अदा किया उनमें सबसे पहला था इस्लाम। नज़रिया इस्लाम जो दो कौमी नज़रिए की बुनियाद बना था, उसने ये वाज़े कर दिया था कि बरसग़ीर के हिंदू अफराद मुसलमानों से मुकम्मल तौर पर अलग हैं। दूसरा अंसर जो इसमें शामिल किया गया वो था जमहूरियत। जमहूरियत सिर्फ अक्सरियत के हकूक़ पर ज़ोर नहीं देती बल्कि अकलियत के हकूक़ का तहफ़ भी मनाना चाहती है। यहाँ पर अकलियत के हकूक़ का तहफ़ इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बरसग़ीर के मुसलमान ख़ुद अकलियत की सूरत में हिंदुस्तान रह चुके थे, लिहाजा वो चाहते थे कि पाकिस्तान के नाम से बनने वाली आज़ाद रियासत में अकलियतों के हकूक़ का भी तहफ़ किया जाए। इसी तरह से तीसरा पॉइंट आता है माशरती इंसाफ और मसावात। बरसग़ीर पाक व हिंद में रहते हुए मुसलमानों को माशरती इंसाफ और मसावात नहीं दिया गया था, वहाँ पर तमाम तबके बराबर नहीं थे, लिहाजा नज़रिया पाकिस्तान में माशरती इंसाफ और मसावात को शामिल करके इस बात को पेश किया गया कि पाकिस्तान में तमाम तबके बराबर होंगे और तमाम अकवाम यहाँ पर मसावात के साथ रह सकती हैं। इसी तरह से इसका चौथा पॉइंट जो हमारे पास आता है वो है बुनियादी इंसानी हकूक़। बरसग़ीर पाक व हिंद में रहते हुए जिस तरह मुसलमानों को माशरती इंसाफ हासिल नहीं था, इसी तरह से बहुत से इंसानी हकूक़ भी दाव पर लगे हुए थे। हम लोग वहाँ पर रहते हुए अपने मज़हबी अकायद सही तरह से पूरे नहीं कर सकते थे, हमें इबादत की आज़ादी नहीं थी, हम लोग इजहार राय नहीं कर सकते थे और बाइज़्ज़त रोज़गार हमारे लिए बहुत मुश्किल था। बरसग़ीर पाक व हिंद में रहते हुए जब इन तमाम मसाइल को देखा गया तो फिर पाकिस्तान का मुतालबा किया गया कि एक ऐसी मुसलमान रियासत जहाँ पर मुसलमानों के हकूक़ का इस्तेहसाल ना हो, इसके अलावा वहाँ पर बसने वाले तमाम अकवाम बुनियादी इंसानी हकूक़ को हासिल करके अपनी ज़िंदगी को बाइज़्ज़त गुजार सकें। शुक्रिया।